So hello my students, today we are here with the third part of our JEE Advanced series, question solving series. So as per rules, you have to solve the questions and then we will look for the solution part. और आपको comment करके भी बताना है कि how the questions were और आपको difficulty हुई, आपका हो गया, ठीक है? This is the first question. Concentration of acetate ion in solution prepared by adding 0.1 mole of silver acetate in 1 liter 0.1 molar HCl solution is. Again, it is from ionic equilibrium. और एक नया concept आपको ये देखे जाएगा. देखिए क्या हो रहा है? दो sparingly soluble salts का mixture बनाया हमने. हर दिन हम कुछ नया कर रहे हैं. आज हम यहाँ पे दो sparingly soluble salts को उठा के लाए. तो एक important concept आपको देता हूँ. ध्यान से सुनना. कभी भी एक मोर सॉल्युबल सॉल्ट से अगर आप एक लेस सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हो तो वैसे रिएक्शंस को भी आप इररिवर्सिबल कंसिडर कर सकते हो. पहली बात, ये फैक्ट आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो अभी मैथमेटिकली भी इसको प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक, कैसा क्यों हो रहा है. लेट अस सी, यहाँ पे क्या है कि आपके पास है सिल्वर एसिटेट CH3COOAg सॉलिड. You are adding HCl, let us say H plus and Cl minus, and we are getting it converted to silver acetate CH3COO. Silver acetate is getting converted to CH3COH acetic acid along with AgCl solid. Now what's happening out here is that you have 0.1 mole of this and 0.1 mole of this, and acetic acid is there. We don't know how much we have at equilibrium. So how can we say that for such reactions equilibrium constant is very high? कैसे बोल सकते हैं? देखो अब इस reaction का equilibrium constant क्या होगा? ये होगा acetic acid upon H plus Cl minus. एक काम करो, एसिटेट आयन मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ऊपर नीचे क्लोराइड आयन भी मल्टीप्लाई करो, क्लोराइड नहीं, एजी प्लस मल्टीप्लाई करो, करो एजी प्लस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो. जी किया मैंने पहली बता दी एक बात कि अगर एक लेस सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है फ्रॉम अ मोर सॉल्युबल वन. अब देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो सिल्वर एसिटेट है दिस इज मोर सॉल्युबल, और ये जो सिल्वर क्लोराइड है दिस इज लेस सॉल्युबल. तो रिएक्शन को आप मान सकते हो कि वो कैसा जा रहा है, इरिवर्सिबली जा रहा है आगे. तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली एजी प्लस. तो ये बना आपको केएसपी मिला एजीसीएल का, ये देखो, और ये आपको मिल रहा है केएसपी, और यहां से आपको मिल रहा है केएसपी ऑफ, this is actually KSP of silver acetate and this is your Ka for acetic acid ka ulta reciprocal. तो अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल K of reciprocal है K. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? I can write it as a KSP of silver acetate CH3CO. थोड़ा writing writing समझ लेना, आज काफी थका हुआ हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है. KSP of AgCl and Ka. तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10^7. आप पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो आप देख सकते हो कि सच है हाई वैल्यू. तो इस हाई वैल्यू का क्या मतलब है कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट चला जाएगा कंप्लीशन में. तो इस चीज को मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है. अब क्या करें? सो फॉर नाउ, अब आपको कुछ नहीं करना. आप इसको मान लो कि ये इरिवर्सिबली रिएक्शन आगे चला गया है, तो आपके पास ये 0.1 था, खत्म हो जाएगा अब ये. लेकिन फिर से वही बात, जीरो तो मानेंगे नहीं, कम कर दो, ए मान लो, ए मान लो, ये कितना मान लो, अप्रोक्सीमेटली 0.1. सो नाउ यू हैव दिस 0.1, यू हैव एच प्लस, यू हैव सी एल माइनस. सो यू कैन फाइंड the value of H plus. How? बस इस equilibrium constant से निकाल लो, बहुत easy, यही side में कर दे रहा हूँ, question easy हो गया, solve हो गया, कुछ नहीं बचा. Ka equilibrium
is equals to what? Acetic acid, ACH लिख देता हूँ, upon AA मतलब A square. तो यहाँ से A की value आ जाएगी देखो, और A ही तुम्हारा H plus का आयन होगा. अब H plus आ गया, आपको acetate आयन बताना है. H plus पता है, आपको acetic acid पता है, तो you can easily find the value of acetate ion by using simple Ka की value. Ka is acetate ion into H plus upon ACOH. तो hope so इतना hint आपके लिए enough है. अगर आप normal, आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं basic चीजें यहाँ नहीं बताने आया हूँ, आपको question solve करने की skill सिखाने आया हूँ, और वो ही करूँगा मैं. यहाँ भीड़ जमा कराने नहीं आया हूँ मैं कि भीड़ इकट्ठा करना है, मुझे views चाहिए. नहीं, वो नहीं करना. ठीक है, क्वेश्चन को समझें. तो बिल्कुल, अब अगर आपको समझ आ रहा होगा कि आपके पास H plus आ गया, आपके पास ACOH आ गया, तो you can easily now find the acetate ion because Ka जो acetic acid का given है. final answer बता दो इसका, 0.01 molar आ रहा है. 0.01 मतलब यही अपना answer है, 10^-2 molar. hope so आपको ये समझ आ गया होगा. now let's try the second question. look at this and try to get me the major product. इसमें मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या आ रहा है. ओके, तो नाउ लेट अस सी, ये है क्या? ये है हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन. कैनिज़ारो रिएक्शन तो काफी सिंपल बच्चों को लगता है, बस डिस्प्रोपोर्शनेशन करा दो, जहां भी KOH देखो, हीट देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन करा दो, आंसर आ जाएगा. यहां उससे काम नहीं चलने वाला. ठीक, यहां उससे काम नहीं चलने वाला. हालांकि मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, आपको प्रोडक्ट ही बनाना है मेजर, तो ऑप्शन की ज्यादा कोई खास जरूरत है नहीं. तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कराना है, लेट अस सी कि क्या बनेगा प्रोडक्ट. तो आपको इसके लिए डिस्प्रोपोर्शनेशन का मैकेनिज्म आना चाहिए. क्या मैकेनिज्म था उसके, कैनिज़ारो का मैकेनिज्म? ऐसा कुछ था. आज थोड़ा लो साउंड कर रहा हूँ यार, थका हूं मैं. ठीक, कैनिज़ारो का मैकेनिज्म ऐसा था ना, हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म था. इफ यू रिमेंबर, ये एच माइनस इधर जाता था, फिर ये गया, ये वापस आया, ये हाइड्राइड निकल के इधर जाके अटैक करके इसको खोलता था. तो जहां पे हाइड्राइड अटैक करता था, वहां पे एसिड बनता था. इस कंक्लूजन को ध्यान रखो, जहां पे हाइड्राइड अटैक करता था वहां एसिड बनता था, दूसरा वाला अल्कोहल बन जाता था. हाइड्राइड कहां अटैक करेगा? जहां डेल्टा प्लस ज्यादा होगा. बस यही की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बाकी कुछ नहीं. बड़ा आसान है, देख के बड़ा भयंकर लगता है, कुछ नहीं है ये सब. अगर आपको ये मैकेनिज्म पता रहा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी कॉपी से रिवाइज कर लें चीजों को. अगर आपने अच्छे टीचर से पढ़ा है तो आपको ये सब बातें बताई गई, और अगर आपने यूट्यूब में पढ़ा है तब तो फिर भाई भगवान भरोसे चलेंगी चीजें. उसमें तो पता नहीं क्या क्या ट्रिक इन्वेंट हो जाती. चलो कोई बात नहीं. तो यहां पर अगर हमने देखा सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, तो बेटा यहाँ पे बात ऐसी है कि सी डबल बॉन्ड OH एंड सी डबल बॉन्ड OH, इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ. हाइड्राइड ने इधर अटैक किया, ये अटैक कहीं भी करा दो अटैक, अभी तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, चारों तरफ से सिमेट्रिकल है. तो इधर अटैक करा दिया मैंने, मान लो इधर कार्बोक्सिलेट बना दिया, ठीक है, और इधर क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया CH2OH. बस वो मैकेनिज्म पता था तो सॉल्व हो गया, अभी कुछ नहीं बचा इसमें, है ना. यहां पे बना दिया CH2OH. अब बात आती है यहां पे हाइड्राइड किधर अटैक करेगा. वेरी सिंपल टू प्रेडिक्ट, इफ यू लुक एट दिस कार्बन, इसके पैरा में ये ग्रुप है, ये ग्रुप, ये जो ग्रुप है अपना CH3COOH, तो ये आपका उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन तो नहीं कर रहा. ऑन द अदर एंड अगर आप इसको देखेंगे CH3CH2OH को, तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत अपने प्लस एच वेच से इलेक्ट्रॉन दे रहा है अंदर. तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत अंदर दे रहा है अपने हाइपर कॉन्जुगेशन से, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो यहां पे जो डेल्टा प्लस का एक्सटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. डेल्टा प्लस का एक्सटेंट इधर कम हो जाएगा क्योंकि इसके पैरा पोजिशन में ये इलेक्ट्रॉन खास कुछ नहीं दे रहा है ना, ये तो एक समझ सकते हो खींच भी रहा है थोड़ा बहुत रेजोनेंस से खींच भी रहा है ये तो इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे डेल्टा प्लस थोड़ा ज्यादा आएगा, और यहां पे जो डेल्टा प्लस का एक्सटेंट है ये उतना ज्यादा नहीं रहेगा यहाँ पे. तो डेल्टा प्लस का एक्सटेंट इधर ज्यादा है, तो हाइड्राइड का अटैक कहाँ होगा, इधर होगा, और ये खुलेगा और फिर वही चीज ये निकल के इधर जाएगी. तो जिधर हाइड्राइड का अटैक होता है वो क्या बनती है, वो बनती है हमारी
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला पार्ट जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये वाला जो पार्ट है ये क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। सो दिस विल बी अवर आंसर, फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस, सी ओ ओ माइनस के प्लस, और ये वाला पार्ट भी सी ओ ओ माइनस के प्लस, एंड दिस विल बी सी एच टू ओ एच, एंड दिस विल ऑल्सो बी सी एच टू ओ एच। ये आंसर। सो होप सो कि आपने यही कंसेप्ट लगाया होगा। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।